संत आसाराम बापू पिछले 14 वर्षों से सलाखों के पीछे जेल में बंद है। जिन्हें जमानत मिले तथा उनकी रिहाई हो, इसके लिए राष्ट्रीय समर्पण पार्टी की ओर से समूचे देश में आंदोलन चलाया जा रहा है। नमस्कार। पूरे देश में हिंदू संतों के खिलाफ, हिंदू धर्म के जो प्रचारक लोग हैं उनके खिलाफ एक खड़यंत्र रूप से पूरी विदेशी ताकतें कर रही हैं। ये हम लगातार कई वर्षों से देख रहे हैं, कोई बॉलीवुड के माध्यम से, कोई मिशनरी के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से हो रहा है। राष्ट्र समर्पण पार्टी ने यह तय किया है कि जिन साधु संतों पर झूठा आरोप लगा है उनके लिए हम आंदोलन पूरे भारतवर्ष में करेंगे। उसी कड़ी के समक्ष हमने देखा एक उदाहरण, संत आसाराम बापू पर झूठे के झूठे गवाह बनाकर उनको 14 वर्षों से जेल में रखा गया है। 14 वर्ष में मैंने देखा कि कई लोग जो दूसरे कृत्य में शामिल, जो सामूहिक बलात्कार किया, ऐसे लोगों को सरकार ने छोड़ दिया, लेकिन संत आसाराम बापू के एक बेल तक नहीं दिया गया। जो राइट टू बेल, जो हमारा संविधान बोलता है कि सबको जमानत का अधिकार है, वह भी तक नहीं दिया। वो छोड़िए, उनके एक पत्नी की मृत्यु होती है, उनके लिए पैरोल तक नहीं किया। यह न्यायपालिका पर सवाल है कि क्या इस देश में कौन से कानून चल रहा है, संविधान से चल रहा है कि किसी की इशारे पर चल रहा है। इसलिए राष्ट्र समर्पण पार्टी ने तय किया पूरे भारतवर्ष में आंदोलन चलेगा। इसी के सिलसिले में हमारे भाई जो सोनू बरैया जी है, जो नागपुर जिले के पूरा आंदोलन का रूपरेखा जो प्रमुख है, वह आगे कड़ी आपको बताएंगे किस प्रकार से आंदोलन यहां पूरे चलेगा। धन्यवाद। हमारे देश में आए दिन हिंदू साधु संतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, और उसी के तहत आसाराम जी बापू जिन्होंने के ऊपर अभी तक के कोर्ट के अंदर में कोई केस दर्ज नहीं हुई है, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति को 14 वर्षों से जेल के अंदर रखा गया है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो विदेशी ताकतों या मिशनरी जो चलती है भारत के अंदर में धर्मांतरणों की, उनके दबाव में आकर के आसाराम बापू को जो अभी तक अंदर रखा गया है उन्हें तुरंत से तुरंत रिहा किया जाए। राष्ट्र समर्पण पार्टी की ओर से आज साहब 12 तारीख से हमारा सामने के अंदर में जो आंदोलन चालू हो रहा है, वो आने वाले समय पर पूरे महाराष्ट्र लेवल के हर जिलों में, हर तहसीलों में आंदोलन किया जाएगा। उसी के तरह आने वाले समय पर दिल्ली तक हम लोग आंदोलन करेंगे, जब तक आसाराम बापू को रिहा नहीं किया जाता है।